व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है संजय और आज हम देखने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है सैमसंग S8 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों ही हैं सैमसंग S8, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो हल्का सा रेड है और जो राइट हैंड साइड वाला है वो बिल्कुल स्मूथ वाइट है। तो ये डिफेक्ट अराइज हुआ है अभी सैमसंग S8 में, जो कि रिलेटेड टू है कलर कॉन्ट्रास्ट। सैमसंग S8 के कलर कॉन्ट्रास्ट सही से सेट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जो रेड कलर है वो ज़्यादा उभर के बाहर आ रहा है। अगर हम सेटिंग्स में जाके इन्हें सेट करने की कोशिश करें तो ये सही किए जा सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा डिफेक्ट नहीं है, इसे बस आपको सेटिंग्स में जाना है और रेड का कंट्रास्ट आप जैसे ही कम कर देंगे, सैमसंग S8 का स्मूथ वाइट कलर आपको दिखने लग जाएगा। सैमसंग ने ये डिक्लेयर करा है कि सारे यूनिट्स में ये डिफेक्ट नहीं है, कोई चुनिंदा स्मार्टफोन्स हैं जिनमें यह डिफेक्ट आ रहा है। और सैमसंग ने ये भी कहा है कि जल्द ही वो इसे करेक्ट कर देगा एक अपडेट रिलीज़ करके, जिसमें इन तीनों कलर्स की ब्राइटनेस फिर से सेट कर दी जाएगी, जिससे वापस आपको वही स्मूथ वाइट कलर मिल जाएगा। बट ये काफ़ी निराशाजनक बात है कि आप एक नया स्मार्टफोन लेते हैं और उसकी स्क्रीन रेड हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो भी S8 लें पहले उसे चेक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल टेक क्रश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।